हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और आपको पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। आपके जॉब, कैरियर, रिलेशनशिप और बिजनेस को लेकर जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं जुलाई का महीना आपके लिए कैसा रहेगा। द वर्ल्ड नंबर 29। गाइस, जुलाई के महीने में कोई ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में बन ही बन रहा है। कोई चेंज बड़ा आपकी लाइफ में होगा गाइस। हो सकता है कि आप कोई एक्शन लो या डेस्टिनी आपका ध्यान किसी और राह पर ले जाने की तरफ आकर्षित करे। मतलब ये कह सकते हैं कोई चेंज आपकी लाइफ में डेफिनेटली आएगा गाइस। आपका ध्यान जो है वो नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी की तरफ आकर्षित होगा। कहीं ना कहीं डेस्टिनी की कह सकते हैं कि आपके लिए सोची हुई प्लानिंग जो है वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएगी, या कुछ डेस्टिनी के द्वारा जो आपके लिए एक्शन लिए जाएंगे ना वो कहीं ना कहीं आपको समझ में आएंगे गाइस। 2 + 9 = 11 होते हैं, मीन्स एक न्यू बिगनिंग भी होना, यानी आपके लाइफ में एक नए चैप्टर की शुरुआत भी होना। तो ट्रांसफॉर्मेशन या कोई बड़ा चेंज है ना, ये आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है कि जुलाई के महीने में आप मकान को शिफ्ट कर लो। आपकी लाइफ के कुछ बड़े मामलों को लेकर ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है गाइस। जैसे आपका एक मकान से दूसरे मकान में, नए मकान में शिफ्ट हो जाना, ये भी हो सकता है। ठीक है, आपका नया घर खरीदना, ये भी हो सकता है। नए मकान का इनोग्रेशन, ये भी हो सकता है। ठीक है, या फिर आप गवर्नमेंट जॉब में हो तो आपकी ट्रांसफॉर्मेशन की संभावनाएँ बहुत ज़्यादा लग रही हैं जुलाई के महीने में, है ना। तो इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा है गाइस। यानी कोई ट्रांसफॉर्मेशन, या मे बी ये हो सकता है कि आपके घर में नए मेहमान का आगमन हो, है ना। मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक पीड़ा वाले भाव से बाहर या पीड़ा वाली परिस्थिति से बाहर आना और कहीं ना कहीं सुख का मिलना, उसका आभास होना, है ना। तो ये ट्रांसफॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। हो सकता है आपको सपनों के थ्रू, सपनों में गर्भवती स्त्री का नज़र आना, ये भी हो सकता है, या गायों का झुंड नज़र आना, है ना। ये एक बड़े ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है गाइस। ये सपने हो सकते हैं कि आपको दिख ही दिख रहे हैं, है ना। तो रेडी रहना, कुछ अच्छे चेंजेस आपकी लाइफ में आएंगे जो आपको पीस दे, आपको शांति दे, सुकून दे, क्योंकि आपका ध्यान सकारात्मकता की ओर बढ़ेगा, है ना। ये चीज़ है। और कुछ चीज़ें कह सकते हैं ना गाइस कि आपके सामने डेस्टिनी लेकर आएंगे, क्लियरिटी लेकर आएंगे, कि जिन चीज़ों को आप अगर दुख भी समझ रहे थे या जिन परिस्थिति में आप रह रहे थे ना, या अभी दुख वाली परिस्थिति बनी हुई थी ना, वो आपकी लाइफ में क्यों बनी, है ना, उससे आपकी लाइफ में क्या बदलाव आए, या उसका आपकी लाइफ पर नेगेटिव असर हुआ या सकारात्मक असर हुआ, है ना। कभी कभी दुख भी किसी इंसान को दुखी करने के लिए नहीं आता। मतलब एक प्रॉब्लम जो होती है ना, वो दूसरी प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए भी होती है ना। तो कुछ ऐसी क्लियरिटी आपके सामने भी आएगी, है ना। तो चेंज कोई मामले को लेकर आपकी लाइफ में होगा ही होगा, ठीक है ना, ये जुलाई के महीने में। और एक न्यू बिगनिंग भी हो जाएगी, मतलब एक तसल्ली रहेगी गाइस, एक सुकून कह सकते हैं। एक कहता है ना कि शांत होकर एक सांस लेना कि हाँ चलो कुछ तो बेहतर होने लगा, है ना। तो ये वाले बात होगी आपके साथ। जर्नी पर निकल पड़ोगे गाइस, देखना। नंबर 1 के बाद में, यानी 2 + 9 = 11 मीन्स नंबर 1, यानी न्यू बिगनिंग, यानी नया चैप्टर की शुरुआत होना आपके साथ। मतलब कुछ चीज़ें पीछे छूट गई है गाइस, है ना, कुछ बिगड़ी हुई है, यहाँ जिन चीज़ों में एंडिंग हो गई है ना, कहीं ना कहीं आपका ध्यान उस चीज़ से हट जाएगा। अगर कोशिश कर रहे हो कि मैम हट नहीं पा रहा है, बहुत कोशिश करने के बाद में भी पास्ट की एनर्जी हावी होती रहती है ना, कोशिशें खाली जा रही है, बट अब नहीं जाएगी गाइस। कहीं ना कहीं आपका ध्यान जो है ना वो सकारात्मकता की तरफ बढ़ेगा। मीन्स ये भी हो सकता है कि आपको पास्ट की एनर्जी से भुलाने में कुदरत आपका सपोर्ट करे। कैसे? आपको कोई हैप्पीनेस दे, आपको कोई खुशी दे, है ना। कुछ अच्छा आपकी लाइफ में या पॉजिटिव आपकी लाइफ में ऐसा है कि आपका ध्यान अपने आप जो है ना अच्छे वे में जाए और पास्ट की एनर्जी को आप भूल जाओ। मीन्स
आप अपनी यात्रा पर चल पड़ोगे। जैसा मैंने कहा ना कि एक नए चैप्टर की शुरुआत हो रही है, यानी अपनी जर्नी में आगे बढ़ने की शुरुआत हो रही है ना। पल पल कह सकते हैं कि आप अपनी लाइफ में अब आगे बढ़ोगे, कोई रास्ता डेस्टिनी आपको दिखा देगी। अभी अगर भटकाव की स्थिति है या कोई ऑप्शन एक से ज़्यादा आपकी लाइफ में आए हुए हैं, चाहे मैरिज को लेकर, बिजनेस को लेकर, काम को लेकर, एक क्लियरिटी मिल जाएगी आपको कि आपको जाना किस ओर है। अपने आप साइन मिलेंगे गाइस आपको, देखना। और अपने आप आपको ये वे मिल जाएगा कि मुझे इस राह पर ही चलना है, और वहाँ पर खुशी खुशी बिना कोई डर के आप वो रास्ता अपनाओगे। हो सकता है कोई अपॉर्चुनिटी भी आई है ना, उसको लेकर भी डर है कि एक से ज़्यादा अपॉर्चुनिटी आ गई, अब क्या करना है, कौन सी अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट करना है। ये जुलाई के महीने में आप एक्सेप्ट कर लोगे, है ना। और ये मालिक पर ट्रस्ट रखना गाइस, आप अच्छा रास्ता ही चुनोगे, ठीक है ना जी। या निर्णय भी लोगे ना तो बेस्ट ही लोगे, ठीक है ना। बैलेंस, एंजल ऑफ बैलेंस, देखो बिल्कुल बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन बहुत अच्छा हो रहा है गाइस। ये बुरा वाला ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, है ना। तकलीफ जो दे रहा था ना, बार बार कचोट रहा था ना, वो चीज़ निकल रही है आपकी लाइफ से। तो कहीं ना कहीं आसान होना लाइफ का, लाइफ में बैलेंस आना, ठीक है, बेहतरी की तरफ लाइफ का चलना, ये चीज़ें हो रही है। कुछ ईडन भी था तो वो एक बार सामने आने के बाद में कहता ना कि प्रॉब्लम्स की एंडिंग हो जाना, ठीक है, और फिर नई एक शुरुआत हो जाना, ठीक है। या कोई किसी से गलती भी हो गई है तो वो आकर आपसे माफ़ी मांग ले, क्लियर, एकदम क्लियर। और कहीं ना कहीं आपको भी समझ में आ जाए कि ये इंसान वापस से सब कुछ ठीक करने के लिए चाहते हैं, है ना। मतलब वापस से रिकवरी चाहते हैं, चाहे रिश्तों को लेकर हो, ठीक है, कोई भी मामला जहाँ पर कोई इंसान सामने से की हुई, अपनी की हुई गलती का अफसोस कर रहे हैं, गिल्ट बना रहे हैं, गिल्ट में रह रहे हैं, और आपको वो उनकी स्थिति को देखकर समझ में आ जाए कि बिल्कुल ये इंसान गिल्ट में है और एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये भी चीज़ें होंगी गाइस, है ना। अच्छे बदलाव, कोई आकर आपसे माफ़ी भी मांगेंगे, ठीक है ना, ये भी चीज़, इसकी भी संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है ना जी। द सन, द वर्ल्ड के बाद में द सन का कार्ड आना, बहुत सारे परिवर्तन होंगे गाइस, जुलाई के महीने से स्टार्ट हो जाएंगे आपकी लाइफ में। ऐसे नहीं कह रही हूँ एक साथ सारे के सारे परिवर्तन जुलाई के महीने में होंगे, पॉसिबल ही नहीं है ना जी, पॉसिबल ही नहीं है, बट काफ़ी सारे चेंज आपको देखने को मिलेंगे। देखो एक गति कह सकते हैं गाइस कि आपकी लाइफ में कुछ कामों को लेकर बढ़ती हुई नजर आएगी, या कोई एक्शन आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा लेने वाले हो जो आपके भविष्य को सुरक्षित करे, या फिर कोई काम की स्टार्टिंग आप जरूर करोगे। मतलब कोई कैसे कह सकते हैं कि कोई शुभ कार्य की शुरुआत आप करोगे ही करोगे, चाहे अभी आपके माइंड में नहीं है कि मुझे कोई अपने करियर के लिए क्या क्या काम करना है ना, या कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, या अगर शादी ब्याह के लिए भी अगर कोई ऑफर आ रहे हैं तो किसका चयन करना है। मतलब एक एक क्लियरिटी मिलकर आगे चलना है ना, ये चीज़ कुछ अच्छा, ये आपका, मतलब ये कह सकते हैं, कहने का तात्पर्य क्या है कि एक निर्णय, स्ट्रॉन्ग निर्णय अपनी लाइफ के लिए लेते हुए आप नज़र आ रहे हो। अपने लिए भी हो सकता है, अपने बच्चों के लिए भी हो सकता है, आपके बच्चों से की तरफ से भी आपको सुख की प्राप्ति होगी, है ना। कहीं ना कहीं उनको लेकर एक चिंता वाला एक आपके मन में रहती है ना, वो चिंता कहीं ना कहीं उनके जो एक्शन लिए जाएंगे ना, उससे आप कहीं ना कहीं थोड़ा आराम महसूस करोगे कि बच्चों में थोड़ी मेच्योरिटी आ रही है, या अगर ये मतलब कोई निर्णय भी लेंगे ना तो सोच समझ कर लेंगे, कहीं ना कहीं आपके बिहाफ को ध्यान में रखते हुए, है ना। तो एक कह सकते हैं गाइस कि बच्चों की तरफ से एक शांति और सुकून का मिलना कि ये गलत डायरेक्शन में नहीं जा रहे, राह उन्होंने सही पकड़ रखी है ना, ये भी चीज़ है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ कि फाइनेंशियल मैटर को लेकर कोई सोर्सेस आपके आते हुए नज़र आ रहे हैं, ऑप्शन आएंगे गाइस, अपॉर्चुनिटी आ चुकी है, ऑफर आ चुके हैं तो अच्छा है, वरना ऑफर आने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। इवन मैं एक बात कहूँ आपके, ये जुलाई का महीना स्टार्ट होते ही फर्स्ट वीक में ही आपकी लाइफ में कुछ चेंज और कुछ ऑफर या अपॉर्चुनिटी आती हुई आपको मिल जाएगी गाइस, यहाँ तक भी बताया जा रहा है ना। और कुछ बैलेंस, या कह सकते हैं कि एक एक अच्छा फील होना आपको, ये चीज़ होगी, ठीक है। दूसरा मैं कह सकती हूँ कि फिश का आना, और यहाँ पर बेबी के बारे में जो मैंने कहा ना, ट्रांसफॉर्मेशन का इस बहुत बड़ा है आपकी लाइफ को लेकर, कोई बहुत बड़ा जस्टिस भी ऐसा होगा आपके साथ जो मतलब कह सकते हैं ना कि एक उदाहरण साबित हो, है ना,
तो मे भी हो सकता है कोई जस्टिस भी हो जाए आपके साथ। सच में रीडिंग में बिल्कुल इतना क्लियर आ रहा है कि कोई जस्टिस भी होगा ना तो ऐसा उदाहरण बनेगा कि लोग किसी के साथ गलत करने से एक बार डरेंगे, कि किसी निर्दोष इंसान को, सच्चे इंसान को कभी दुखी मत करो, कितना भुगतना पड़ता है, ठीक है ना। ये वो वाली बात है गाइस। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि जुलाई के महीने में आपकी प्रशंसा आपको सुनने को मिलेगी, देखना। आपके लुक्स को लेकर हो सकता है कि तारीफें बटोरो आप, है ना। और कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि गाइस जुलाई के महीने में अगर संवेगों की बात करें, इमोशंस की बात करें, तो काफ़ी बैलेंस में रहने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर बात करें तो चीज़ें बहुत सुधार में रहेगी, अच्छी रहेगी। उतार चढ़ाव वाली परिस्थिति कम नज़र आ रही है, नहीं है नज़र आ रही है ना, मतलब पैसों को लेकर कोई चिंता वाला वातावरण नज़र नहीं आएगा आपको। एक कह सकते हैं गाइस कि क्लियर वे में बताऊंगी कि थोड़ी सी ही ग्रोथ सही लेकिन आपको नज़र आएगी, है ना। मैं बहुत ज़्यादा की बात नहीं कर रही, लेकिन ग्रोथ थोड़ी बहुत ही सही लेकिन आपको नज़र आएगी। लास्ट मंथ से इस मंथ में फाइनेंशियल मैटर को लेकर थोड़ी सी राहत आपको देखने को मिलेगी, ठीक है ना। ये है। दूसरा मैं ये कह सकती हूँ गाइस, जैसे मैंने कहा ना कि नए मेहमान का घर में आना, है ना, एक शुभता लेकर आना, कुछ ऐसा भी हो सकता है कि आप मातृत्व के सुख की प्रेयर कर रहे हो ना, तो कहीं ना कहीं मैं ये कह सकती हूँ गाइस कि आपको कोई ब्लेसिंग मालिक की तरफ से रहमत मिलती हुई नज़र आ रही है ना। कोई इंतज़ार कह सकते हैं गाइस, ऐसा जो 1 जुलाई के महीने में एंड होगा, है ना, ओवर होगा आपका वेट जो है ना, ये ओवर होगा, कोई इंतज़ार आपका ख़त्म होते हुए नज़र आ रहा है। एक बुक्स का क्या है, बुक्स लिखते हो या क्या है, मुझे ऐसा लगता है अगर आपने बुक्स लिख रखी है तो कहीं ना कहीं आप में एक वो कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ेगा कि अब मैं उस लिखी हुई बुक को पब्लिश करूँ, है ना। देखना अगर ये करते हो ना तो इतना तो यश आपको प्राप्त होगा, है ना, क्योंकि ये काम आपका बहुत अच्छा चलेगा। हाँ, और साथ में ये आपके लिए फाइनेंशियल ग्रोथ भी लेकर आएगा। अगर बुक लिख रखी है तो हिम्मत रखो और पब्लिश करो, एक बार एक्शन लो, क्योंकि वो पास में पड़ी रहने से भी कोई मतलब नहीं है, है ना। तो ये करने की कोशिश करो, देखो खुशी किस तरीके से आपकी लाइफ में आती है, एप्रिसिएशन भी मिलेगा, ठीक है ना जी। द टेम्पल पाथ विश पूरी होने वाली है, ये देखो 111 की एनर्जी आई है भाई। डेफिनेटली कोई न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में बनी रही है ना। कोई विश विश पूरा होगा, पूरी होगी, कोई विश पूरी होगी, कोई राहत दिख जाएगी आपको। देखो रोशनी का नजर आना रास्ते पर, यहाँ पर भी कि कोई राह का नजर आना, कोई फैसला लेना, एक अच्छा फैसला लेना, है ना, मालिक पर ट्रस्ट करते हुए, और उस फैसला का सही भी साबित होना, है ना, ये भी चीज़ है। यही तो बात है गाइस कि कॉन्फिडेंस का लेवल ऐसा होना चाहिए कि अगर कोई भी फैसला लेना तो उस फैसले को सही साबित करने की क्षमता भी विकसित हो जाए, है ना। तो कुछ ऐसा आपके साथ होगा, कोई विश पूरी हो सकती है ना जी। ओके, 5th चक्र आर्कएंजल गैब्रियल। ओके, आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में मैंने पहले भी आपको बताया है कि आर्कएंजल गैब्रियल क्या करते हैं, पता है। आर्कएंजल गैब्रियल के बारे में मैंने पहले भी बताया था कि आर्कएंजल गैब्रियल जो है आपके हक की खुशी, आपके नसीब की खुशी आपको प्रदान करने में आपकी मदद करते हैं, आपका सपोर्ट करते हैं, या कोई भी आपकी खुशी में बाधक बनने की कोशिश करता है, या कोई भी बाधा भी क्रिएट हो रही है ना परिस्थितियों के वश में, परिस्थिति वश, तो ऐसे में आर्कएंजल गैब्रियल जो है उन बाधाओं को दूर करके आपको, आपकी वो खुशी आपको प्रदान करते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा गाइस मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि आर्कएंजल गैब्रियल जो है ना, ये आपके थर्ड चक्र को एक्टिव करने में आपकी मदद करेंगे। कहीं ना कहीं अब जुलाई के महीने में एक परिवर्तन आपको ये देखने को मिलेगा कि लोग आपकी बातों में सहमति को प्रकट करें। मतलब अगर आप किसी को कुछ बात कह रहे हो, पहले क्या स्थिति होती थी कि आप किसी को कुछ बात कहते थे तो सामने वाला उस बात को गलत वे में ले लेता था, है ना। मतलब जो आप कहना चाहते हो उससे बिल्कुल हो सकता है विपरीत ही कोई समझ ले, है ना। बट जुलाई के महीने में आप पर मालिक की वो रहमत होगी, आर्कएंजल गैब्रियल की वो रहमत होगी कि आपको लेकर अगर लोगों का नज़रिया गलत है या आपको लेकर लोगों की सोच गलत है ना, वो सोच में नज़रिए में बदलाव आएगा। गलत फहमी हो सकती है कि आपके अपनों की आपको लेकर वो दूर हो, ठीक है। जैसा कि पहले भी आया है कि कोई हो सकता है कि आपसे आकर माफ़ी मांगे, है ना। तो हिडन चीज़ें हो सकता है, जैसे हिडन का यही मतलब भी हो सकता है गाइस कि
आपको लेकर गलत भाव दूर होना, द्वेष भाव दूर होना, ठीक है ना? तो है ना जी, बस चक्र आर्कएंजल माइकल। ओके, आर्कएंजल माइकल तो आपकी लाइफ से सारी नकारात्मकता को निकाल ही रहे हैं गाइस। इवन ये भी कह लो गाइस, क्योंकि जिस तरीके की रीडिंग आई है ना, तो नेगेटिविटी, जो भी तरीके की नेगेटिविटी है, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफॉर्मेशन का बड़ा कार्ड आया है, तो ये यही बताता है ब्लैक मैजिक से भी परेशान होना, तो कहीं ना कहीं उससे एक थोड़ा कहता है ना कि एक राहत का महसूस होना, ये चीज भी है। हेल्थ को लेकर दुखी होना, तो हेल्थ को लेकर आपकी, आपकी फैमिली में किसी भी मेंबर को लेकर एक सुरक्षा का भाव आपको देखने को मिलेगा। मीन्स क्या है, हेल्थ का ठीक होना, हेल्थ में सुधार होना, कहीं ना कहीं अपने अपनी शरीर पर ध्यान रखना, है ना? मेरे खान पीन में क्या चीज़ें अच्छी है, जो मुझे खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, एक रूटीन का बनाना, है ना? खुद का कहते हैं ना कि हेल्थ के प्रति लापरवाही को दूर करना और अच्छी आदतों का, आदतों को एक्सेप्ट करना, कुछ ऐसे ऐसे बदलाव आप में देखने को मिलेंगे गाइस। मतलब अपनी हेल्थ को लेकर काफ़ी कह सकते हैं कि थोड़े कॉन्शियस नज़र आओगे आप, है ना? थोड़ा ध्यान रखोगे अपना खुद, है ना? तो इन ऐसे बदलाव भी आपको देखने को मिलेंगे। हो सकता है जुलाई के महीने में अगर आप ये मतलब कुछ खान पीन ऐसे हैं जो शायद आपकी हेल्थ के लिए अच्छे नहीं हैं, तो कुछ बुरी आदतों का भी त्याग करते हुए नजर आ रहे हो, मतलब अपनी हेल्थ का ध्यान में रखते हुए, है ना? ये भी हो सकता है कि बार बार चाय पीने की आदत है ना, या बाहर के खाना खाने की आदत है, तो कुछ आदतों में सुधार देखने को मिलेगा ही मिलेगा आपको, ठीक है? इसके अलावा भी कुछ नेगेटिविटी दूर हो रही है। ये भी हो सकता है कि आसपास के लोग या कोई भी इंसान ऐसे जो आपको परेशान कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं गाइस कि जुलाई के महीनों महीने में थोड़ी आपको, चाहे इर्द गिर्द का कोई भी वातावरण क्यों ना, उससे थोड़ी राहत मिलेगी गाइस। लोग परेशान कम करेंगे आपको, मैं ये कह सकती हूँ, ठीक है ना जी? ओके, केयरिंग कनेक्शन। वाद विवाद नहीं होंगे आपके, किसी के साथ झगड़े वगैरह नहीं होंगे, ठीक है? बस थोड़ी एंजाइटी जो रहती है ना, उससे थोड़ा बाहर रहना, ठीक है? हालांकि पास्ट की एनर्जी अब जुलाई के महीने में आप पर प्रभावी नहीं रहेगी, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन के साथ, द वर्ल्ड के साथ में आर्कएंजल माइकल का कार्ड आना, मतलब एक पॉजिटिविटी तो आपकी लाइफ में रहेगी ही रहेगी जुलाई के मंथ में, ठीक है? और कभी कभार जैसे मौसम भी कुछ ऐसा है ना, चेंज होता रहता है, बारिश होती रहती है, तो थोड़ा सा हल्का फुल्का मतलब अपनी हेल्थ को लेकर ध्यान रखना, बाकी हेल्थ को लेकर भी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना जी? बड़ी बात नहीं है ना? हार्ट चक्र, OMG, नंबर 4 की एनर्जी आई है, हार्ट चक्र का कार्ड आया, साथ में कैरिंग कनेक्शन आया है, द सन का कार्ड आया है, एंजल ऑफ बैलेंस। मीन्स आपकी विश तो डेफिनेटली कोई फुलफिल होगी ही होगी, कोई इच्छा की पूर्ति होगी, जैसा कि 5th चक्र आर्क एंजल गैब्रियल भी कहते हैं कि आपकी हक की खुशी आपको मिलना, जिससे आपका हार्ट जो है वो ओपन हो जाएगा, है ना? ट्रस्ट बड़े मालिक पर कि मेरी इच्छा देर सवेर से ही सही, लेकिन मालिक ने पूरी की, तभी तो आपकी लाइफ से नकारात्मकता निकलेगी। देखो कार्ड जो है ना, एक दूसरे को कह सकते हैं कि क्लियर कर रहे हैं, समझा रहे हैं, है ना, कि कोई खुशी मिलेगी, तभी आपकी लाइफ से, आपके दिमाग से, आपकी आत्मा से नकारात्मकता निकलेगी ना, तभी आपका हार्ट जो है ना ये ओपन होगा, खुश होगा, मतलब आपको खुश करने के लिए डेस्टिनी आपकी इच्छा की कोई पूर्ति कर रहे हैं, है ना? ताकि आप खुश हो जाओ और आप मालिक को ग्रेटिट्यूड दो, धन्यवाद दो, और आपका ध्यान पॉजिटिविटी पर जाए। 4-4 की एनर्जी आई है गाइस, संघर्ष आपके 4-4-4 की एनर्जी आई है ना? संघर्ष आपकी लाइफ से कम होते हुए नजर आ रहे हैं जुलाई के महीने में। तकलीफें कम होंगी गाइस आपके, संघर्ष कम होंगे, या काम में कहते हैं ना कि एक ही बार में काम ना होना, वो वाली सिचुएशन थोड़ी कम रहेगी आपके, है ना? कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि रिलैक्स महसूस कर सकते हो, कि अब उतनी भगदड़ नहीं है, या उतना श्रम नहीं करना पड़ रहा है ना? मतलब एक जैसा होता है ना कि जिस काम में जितना श्रम देना होता है ना, उतना ही श्रम देना, उससे दोगुना तिगुना देने की आवश्यकता नहीं रहेगी।
4-4 की एनर्जी जब होती है ना, तब संघर्ष की स्थिति को बढ़ाने वाली बात कहती है, लेकिन 4-4 की एनर्जी जो होती है ना, वो कहती है कि आपने पहले जो संघर्ष कर रखा है, पहले जो मेहनत कर रखे ना, उसका रिवॉर्ड अब आपको मिलेगा। तभी तो यहाँ पर हार्ट चक्र की का कार्ड आया है कि आपके सफलता के रास्ते खुलना है ना, आपके सफलता के द्वार खुलना, कहीं ना कहीं सक्सेस का मिलना, कहीं ना कहीं काम का मिलना, है ना जी। और एंजल्स का सपोर्ट आपको बहुत देखने को मिलेगा गाइस, देखना। आपका गुस्सा बहुत शांत हो जाएगा, है ना। जैसा यहाँ पर रीडिंग आया ना कि आपके कुछ खाने पीने की आदतों में काफी बदलाव होंगे गाइस, देखना। कुछ अच्छी आदतें बनना, अपना एक रूटीन तय करना, ध्यान करना, योगा करना, कसरत करना, ठीक है ना, कुछ अच्छे बदलाव ये आपको देखने को मिलेंगे गाइस। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आपका हेल्थ को ठीक करने के लिए आपकी तरफ से भी एक्शन का लिया जाना है ना। तो डेफिनेटली गाइस क्यों ना, देखो अगर आप अपनी तरफ से भी कोशिश करोगे तो आपकी हेल्थ में भी सुधार होगा, है ना। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी गाइस। ओके, सवाल हो सकते हैं, जैसा एंजाइटी का कार्ड आया है कि हो सकता है कि आपके दिमाग में कुछ सवाल गूंजे, है ना। बहुत सारी हो सकते हैं कि सवाल या पहेलियां हो सकती है कि आपके लाइफ में चल रही है, तो मे भी हो सकता है कि इसको लेकर कोई समाधान आपको मिल जाएगा, क्योंकि कार्ड्स यही बता रहे हैं कि कोई समाधान हो सकता है जुलाई के महीने में आपको मिले, क्योंकि नंबर 4-4 की एनर्जी तो नहीं आई है, नंबर 4-4 की एनर्जी आई है। और साथ में हार्ट चक्र का आना, आर्कएंजल माइकल का कार्ड आना, मतलब कोई पहेली का सुलझना, कोई समस्या का समाधान मिलना, है ना, एक बात को चुनना, एक निर्णय लेना, तो ये चीज डेफिनेटली है गाइस, कोई एक्शन आप लोगे, है ना। स्ट्रेस से दूर रहना, अगर थोड़ा बहुत आ भी जाए ना, जैसे मैंने कहा ना, पास्ट की एनर्जी इतनी हावी नहीं रहेगी, लेकिन कभी कभार देखो हो जाता है ना, इंसान है हम, कभी कभार हो जाता है ना, तो वहां पर उस परिस्थिति में थोड़ा कंट्रोल करना गाइस, है ना, क्योंकि बेहतर होता हुआ यहाँ आपको रास्ता जो है वो क्लियर समझ में आ जाएगा, है ना, चिंता नहीं करना। ये देखो 2-2 की एनर्जी आई है, डेस्टिनी आपको रास्ता दिखा देगी कि ग्रोथ आपकी, सफलता और मंजिल किस और है, वो एकदम कहता क्लियर वे में समझ में आना। नंबर 2-2 नजर बहुत आ रहे होंगे आपको, या आएंगे, देखना। नंबर 3-3 और 4-4 आपको बहुत नजर आएंगे। आपका समय अब खराब नहीं होगा, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा अपनी खुशियों के लिए, उस स्ट्रेस में मत रहना कि इंतजार करना ही पड़ता है, कोई भी खुशी मिले उसके लिए इंतजार करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं होगा। अब चीजों में ठीक हो, चीजें ठीक होगी, है ना, सुधार होगा, अब आपका इंतजार खत्म होगा, आपको भी खुशियां मिलेगी, आप भी खुशियां को जियोगे, है ना, एंजॉय करोगे, ठीक है ना जी। आप उसी ओर जा रहे हो जहां आपको सुख मिले, है ना जी। देखो सक्सेस मिलेगी आपको, आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग की संभावना है, फिर से 4 की एनर्जी आई है, जो भी पेशेंस किया है, धैर्य रखा है, उन धैर्य का रिवॉर्ड आपको मिलेगा, एक जंजाल से बाहर निकलते हुए नजर आ रहे हो गाइस, अपने ही जंजाल से, अपनी ही पहेलियों से, या अपनी ही नेगेटिविटी से बाहर आते हुए नजर आ रहे हो। मुझे ऐसा लगा कि आर्कएंजल माइकल का कार्ड आया है तो कोई ना कोई तो बड़ा रीजन होगा, बहुत बड़ा रीजन है, बड़ा रीजन ये है आपकी ही अपनी नकारात्मकता से आपको बाहर निकालना, मन में बहुत सारे ख्यालों का कहते हैं ना बवंडर आपने बना रखा है गाइस। देखो हुआ क्या पता है, पास्ट की बीती हुई एनर्जी जो है ना, वो आप पर इतनी हावी हो गई, कुछ इतने कड़वे अनुभव आपके लाइफ के रहे हैं, जो वो कह सकते हैं परिस्थिति आपकी लाइफ से निकल गई, वो बुरा समय आपकी लाइफ से निकल गया, लेकिन उसकी छाप रह गई आपके दिमाग में, और कहीं ना कहीं वो एक आप में डर पैदा कर रही है, इनसिक्योरिटी पैदा कर रही है, कहीं ना कहीं एक मन की बेचैनी को इस तरीके की उत्पन्न कर रही है कि एक डर रहता है आपको कि फिर से ऐसी परिस्थिति उत्पन्न ना हो जाए, नहीं होगी, आपको इस जंजाल से, आपको इस फियर से बाहर निकाला जाएगा, और आर्कएंजल माइकल आपकी इसी काम में मदद कर रहे हैं, आपको आपकी यही हेल्प कर रहे हैं कि आप उस पहेली से बाहर आओ, उस जाले से बाहर आओ। आपके मन में बहुत सारे नेगेटिव थिंक बन रहे हैं पता है, जो वाकई में उनका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है, वो एक उलझने हैं, वो एक भ्रम है आपके, उन भ्रम से बाहर आ जाओ, है ना। आर्कएंजल माइकल आपको यही मदद दे रहे हैं, है ना। और अगर डर लगता है कि मैम ब्लैक मैजिक का डर रहता है हमको,
ठीक है, कोई पता नहीं कितना परेशान करने की कोशिश कर रहा है। देखो एक बात कहूँ, जो मैं हमेशा कहती हूँ, समझना मेरे शेर, कुछ भी नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। अपनी पॉजिटिविटी के ऑरा को इतना प्रबल कर दो और मालिक पर इतना ट्रस्ट रखो कि कोई भी बड़ा से बड़ा तांत्रिक ही क्यों ना हो, वो आपका कुछ नहीं कर सकता, एक आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता, है ना। तो आपकी फैमिली, आपका काम काज सब सुरक्षित है ना। किसी भी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है, मालिक की कृपा पर बिलीव रखो, है ना। कहते ना कि एक बात पर बिलीव रखो गाइस, अगर पॉजिटिविटी पर बिलीव रख लिया तो नेगेटिविटी कुछ भी नहीं कर सकती। देखो जहां पर रोशनी होगी ना, वहां पर अंधेरा रह ही नहीं सकता, है ना। तो एक बात पर बिलीव रखो, अगर मालिक पर बिलीव है तो किसी बात का खौफ मत रखो। इस चीज से बाहर आकर बताओ मुझे, और कमेंट करके कहो मैम नेगेटिविटी से बाहर आए हैं, अब हम लाइफ को जी रहे हैं, हम भ्रम की स्थिति में नहीं रह रहे, है ना। ये मुझे जल्द से जल्द बताओ। ओके, जर्नी का कार्ड 2 बार आया है, यानी ये हो सकता है गाइस कि ट्रैवल होंगे आपके कुछ, है ना, अनएक्सपेक्टेड, अचानक से कहीं ट्रैवल की संभावनाएं बन सकती है, बाहर विदेश यात्रा की संभावना बन सकती है आपके, या ये भी हो सकता है कि कोई बाहर से ट्रैवल करके आपकी ओर आए, या ये भी हो सकता है कि आखिर आपको अपनी लाइफ में करना क्या है ना, किस राह पर चलना है, अपने फ्यूचर के लिए कौन सा ऑप्शन का चयन करना है, उसकी संभावना बन रही है। कोई एक राह को पकड़ लेना, है ना, और उसमें मालिक की हेल्प मिलना आपको, ये है गाइस, है ना। कोई ऑफर आ सकता है, उसको आप एक्सेप्ट कर लो और वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा कामगार साबित हो जाए, है ना, ये चीज़ की संभावना लग रही है। और 10 की एनर्जी है, ये मतलब क्या, सफलता डेफिनेटली मिलेगी आपको, है ना जी। न्यू बिगनिंग जैसे मैंने कहा ना कि वो तो हो ही रही है, ये परिस्थिति है ना, इससे बाहर आ रहे हो, मालिक आपको उसी राह पर आगे बढ़ा रहे हैं जहाँ पर आप इस सिचुएशन से बाहर आओ, कि फाइनेंशियल तंगी, आर्थिक तंगी आपने बहुत भोगी है ना, अपनी इच्छाओं का दमन बहुत किया है। और मालिक क्या कह रहे हैं, आर्कएंजल गैब्रियल का कार्ड आना, क्या मतलब है इसका, कि जो जो इच्छाओं का दमन आपने किया है ना, मालिक सब देखते हैं, और मालिक को अच्छा नहीं लगता कि कोई बच्चा अपनी इच्छाओं की पूर्ति से परे रहे, है ना। तो जो वाजिब कहता है ना, जो आपके हित के लिए है, वो इच्छाएं आपकी पूरी होगी, है ना, चिंता नहीं करना। बहुत अच्छी स्टेटस बनेगी आपकी, है ना, बहुत पैसा कमाओगे, सक्सेस पाओगे, लग्जरी लाइफ जियोगे, है ना, चिंता मत करना। ये देखो कितना रात और दिन वाला कार्ड है, इसमें क्या कहा जा रहा है, आर्थिक तंगी, बिल्कुल, कोई इंसान इतना परेशान, बेबस, एक लाचारी नजर आती है अपने पर, बुरा मतलब, कोई इंसान कितना परेशान अपनी आर्थिक तंगी की वजह से अपने सपने को पूरा नहीं कर पा रहा है। मालिक क्या कह रहे हैं कि उसी राह पर भेज रहा हूँ बच्चा, उसी रास्ते को आप एक्सेप्ट करोगे जो आगे चलकर आपको ये दे, सडन वेल्थ, पैसों की कोई कमी ना होने दे आपको, ताकि आप कोई इच्छाओं का गला ना घोट पाओ, है ना, दबा कर रखते हो, दूसरों के लिए जीना, ये सब मालिक देखते हैं, है ना, ये ऐसे वर्ड टू वर्ड बातें नहीं आएंगी, आपका त्याग समर्पण जो है ना, वो मालिक देख रहे हैं। अपने परिवार के प्रति रेस्पॉन्सिबल होना, ये दायित्व का निर्वाह जो कर रहे हो, ये मालिक देख रहे हैं, और ये सडन वेल्थ आपके लाइफ में आएगी, सोर्सेस से ऐसे मिल जाएंगे, जर्नी ऐसे पकड़ोगे आप, तो जुलाई के महीने में बहुत अच्छा ऑफर आपके आते हुए नजर आ रहा है, ठीक है ना, जो आपकी चिंताओं को दूर करे, ठीक है जी। ओके, हाई ऑनर, रेस्पेक्ट बहुत मिलेगी, जो भी काम करोगे ना उसमें रेस्पेक्ट आपको बहुत मिलेगी, और उन्नति जल्दी मिलेगी आपको, है ना। व्हील ऑफ फॉर्चून, किस्मत आपका साथ देगी, यहाँ पर देखो पहिए पर नजर गई और मेरे मुंह से यही बोलना हुआ, व्हील ऑफ फॉर्चून मतलब किस्मत का आपका साथ देना, नंबर 777, किस्मत भाग्य का साथ साथ मिलना, कम्युनिटी, ये सेलिब्रेशन का कार्ड कहलाता है, लोगों से मेल मुलाकात बहुत होगी गाइस जुलाई के महीने में, देखना
हो सकता है कि अतिथि का आगमन आपके घर में हो, अचानक से आएंगे, ठीक है ना, ये इसकी भी संभावना लग रही है। जैसे मैंने कहा ना कि मुझे ऐसा लगता है कि बाहर से कोई इंसान आपके घर पे भी आते हुए नजर आ रहा है, या आपका कहीं बाहर ट्रैवल करना, इसकी भी संभावना बन रही है। मतलब सेलिब्रेशन किसी बात को लेकर तो बन ही रहा है, ठीक है। और हाँ गाइस, जुलाई के महीने में जिनका भी बर्थडे हो उनको मेरी तरफ से तहे दिल से बहुत बहुत बधाई। आप बहुत खुश रहो, स्वस्थ रहो, दीर्घायु रहो, आपका काम अच्छा चले, आपको मालिक बहुत सफलता दे, आप खुश रहो, दिल से जियो, जिंदगी को कैसे जीते हैं वो महसूस करो, जीना आ जाए आपको, और आप लाइफ में जो भी अचीव करना चाहते हो ना खूब अचीव करो, खूब सक्सेस मिले आपको, ठीक है ना। तो न केवल बर्थडे की बात कर रही हूँ, ठीक है, कोई भी सेलिब्रेशन तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में आएगा जिसके लिए आपने वेट किया है, ठीक है ना। कोर्टशिप, ओके, देखो यहाँ पर यही बताया जा रहा है कि ऊंचाइयों पर पहुंचोगे, आपका स्टेटस का स्टेटस जो है ना ये बहुत अच्छा होगा गाइस, आइडियल बनोगे लोगों के लिए। ये देखो वेल्दी मैन, ये देखो पॉवर्टी के साथ में वेल्दी मैन का कार्ड आना, आपकी जर्नी लोग देखेंगे गाइस, ये कार्ड को समझो कि आपकी जर्नी जो है ना ये लोग देखेंगे कि आप किस फर्श से अर्श पर पहुंचे हो, है ना। लोगों की नज़र में आप आइडियल बनोगे, आपके पद चिन्हों पर लोग जानेंगे कि आपने किस तरीके से हिम्मत रख कर अपनी जर्नी को तय किया है, कितना बदलाव आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो, कितनी ऊंचाइयों पर पहुंचे हो, अपने जिम्मेदारियों को कितने अच्छे से निभा रहे हो, और कितने डाउन टू अर्थ भी रह रहे हो, है ना। पैसा होने के बाद में भी घमंड इतू सा भी नहीं, है ना। तो ये चीज़ें ये लोग नोटिस करेंगे और रिवॉर्ड भी लेंगे, अवार्ड भी लेंगे आपको, देखना आपकी अच्छाइयों के, नेकी के। और मुझे एक बात ये भी लग रही है गाइस कि आप और लोगों की भी हेल्प करोगे लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, भविष्य को सुरक्षित करवाने के लिए। मतलब ये कह सकते हैं गाइस कि कोई इंसान कोई ऐसे काम को अंजाम दे, है ना, या ऐसे काम को चुने जिससे न केवल उनका खुद का भला हो और लोगों को भी, मतलब कहते हैं ना कि काम देना, समझ रहे हो, उनको भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई रास्ता देना, है ना। मतलब आप वो राह पर चल पड़े हो जहाँ पर आप और लोगों को भी उस राह पर आने के लिए प्रेरित करोगे, बहुत अच्छे बदलाव आएंगे गाइस आपके लाइफ में। तभी तो देखो बिल्कुल घमंडी नहीं है, कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाओगे ना, कितनी भी ग्रोथ कर लोगे ना, तब भी घमंड नहीं रहेगा आप में, क्योंकि वो रास्ता पार किया है, वो कंकड़ सहे हैं आपने, कांटे सहे हैं आपने, तो उसका घमंड नहीं है बिल्कुल भी। तो ऐसे इंसान पर मालिक की रहमत तो बनती है गाइस, है ना, किस्मत साथ देती है, ऐसे इंसान का ही देती है। और ये जो सक्सेस मिलती है ना ये स्थायित्व लेकर आती है ना, ठहराव लेकर आती है लाइफ में, और आपके व्यवहार में भी ठहराव आएगा, समझ आएगी, मैच्योरिटी आएगी कि किसी को नीचा नहीं दिखाना, है ना। तो ये राह जो है ना पॉवर्टी से, आर्थिक तंगी से वेल्दी मैन का बनना, ये जर्नी की शुरुआत जुलाई में हो जाएगी आपकी, देख लेना, ये कन्फर्मेशन है, ठीक है ना जी। तो जुलाई का महीना काफ़ी सारे बदलाव आपके लाइफ में लेकर आ रहा है, खुश रहना, मालिक पर ट्रस्ट रखना गाइस कि बहुत अच्छे अच्छे बदलाव और बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन, ये भी बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, फर्श से अर्श पर पहुंचाने की जर्नी को पकड़ना, उस राह पर चल जाना, है ना, ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है, ये जुलाई के महीने से आपकी लाइफ में स्टार्ट हो रहा है। इसको एक्सेप्ट करने वाले मोड में रहना, रेडी रहना गाइस अच्छे चेंजेस के लिए, और मालिक को थैंक यू कहना कि लाइफ को बदल दिया, तो कुछ भी सोचा था उम्मीद से कहीं गुना ज़्यादा अच्छा देने के लिए, थैंक यू सो मच मालिक, आई लव यू सो मच मालिक, है ना। तो बस यही सच्ची श्रद्धा रख कर आगे बढ़ो, और इंसानियत को अपने आप में सबसे प्रबल रखो गाइस, फिर कोई आपको तोड़ नहीं सकता, है ना, कोई तोड़ नहीं सकता, आप मालिक की टीम के सदस्य बन जाओगे, ये मायने रखती है बात, और ये करके दिखाओगे, ठीक है ना जी। तो इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक अब तो लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन कर ही दो, अब लाइफ में बड़े चेंजेस यही चाहिए कि हमारे हमारी जर्नी क्या है हम उसे समझ पाए, और हमें फर्श से अर्श पर पहुंचा दो, और यही नेक सोच हम में रखना कि हमें घमंड कभी भी ना आए, चाहे कितनी भी ऊंचाइयों पर पहुंच जाए, लेकिन हमारी इंसानियत हम में बरकरार रहे, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे, ठीक है ना जी।
तो गाइस ये थी आज की रीडिंग, आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।